हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी रात के बज रहे हैं 9। आज जा रहे हैं हम नोएडा, दीदी का है प्रोग्राम। तो रेडी हो चुके सब? दीदी तो भाई बिल्कुल ही सदस से रेडी हुई आज। दीदी तेरा आज दीदी को स्पेशल लगाया है। दीदी का पीछे मुड़ो, गजर रहा मोहब्बत वाली। दीदी ने लगाया आज अपने बालों में डैडी ने लगे दिया। फोन आ गया हमारे केबल भैया का, बात करते हैं। हेलो, लोकेशन पे खड़े हैं आप? अभी कहाँ खड़े हैं? तो गाइस हमारी कैब भी आ चुकी है और वो कह रहे हैं जल्दी भाग के आ जाओ। इसकी किस लिए? अभी कहीं से भी देवांशी बेटे, रजिस्टर कौन से ले चलना है? रजिस्टर जो भी ले, सुनो मेरी बात, हमारी कैब आ चुकी है, हम निकलते हैं अब। ये लोग बात में लग रहेंगे और वो कह रहे हैं जल्दी आ जाओ ना, वहाँ पर जाम लग जाएगा। चलते हैं फटाफट। और मैंने आज शर्ट पैंट पहन रखी है, मैंने कुर्ता पजामा नहीं पहना की तरह। तो गाइस अपने घर से हम निकल चुके हैं अभी और बारिश होती बहुत तेज हो रही है गाइस। तो सिर्फ यहाँ पर आने आने में, कैब में आने वाले में पूरा भीग गया था, पूरी शर्ट भीग गई ऊपर से मेरी। तो देखो बाहर, देखो कि तेज बारिश हो रही है इस समय, बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। ऊपर जहाँ दीदी का पहले प्रोग्राम था ना, वो पहले ओपन में था, तो बारिश की वजह से उसको मतलब हॉल के अंदर कर दिया है, जैसा भी देखेंगे जाके जो भी है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से लगभग 40 मिनट का रास्ता है, चलते हैं। चलो तो गाइस देखो बारिश इतनी तेज हो रही है यार, बहुत तेज बारिश हो रही है। देखो कुछ दिख ही नहीं रहा सामने का साफ, तो पहली बात। और अभी रात के 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट का और रास्ता है यहाँ से, और बारिश बहुत तेज है भाई। और ये लोग पीछे बैठे रियाज कर रहे हैं। देखो तो गाइस बाबा कीर्तन में तो पहुंच गया मैं, पर देखो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं पूरा भीग चुका हूँ पूरा। दीदी को यहाँ तक लाने में, गाड़ी से उतार की छतरी में भाई पूरा भीग गया मैं। दीदी नहीं भीगनी चाहिए ना यार, क्योंकि तेज बारिश हो रही है पीछे, शायद आपको दिखाई दे नहीं रही होगी, पर बहुत तेज हो रही है। पूरे में घट्टे भर के पानी भरा हुआ, कीचड़ हो रही है, तो पूरा भीग गया पूरी छड़ गिली हो गई देखो पीछे से। चलते हैं अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं जिनका है कीर्तन, उनके घर पर। कह रहे हमारे घर पर बैठ दो आप, वैसे भी हम रूम पे आ चुके हैं। जिनका है प्रोग्राम उनके घर पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि जनरेटर अभी इन लोगों को ख़राब हो गया था, तो लेट चालू हुआ प्रोग्राम। आवाज़ तो आपको आ रही होगी पीछे से भी, पर कैसे पूरा भीग चुका हूँ। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज ठंड लग रही है। अब लग रहा है फिर तबीयत ख़राब ना हो जाए। डैडी भी भीग गए देखो, वैसे तो डैडी भी पूरे पीछे से भीग चुके हैं, बस सर एक घंटा जल्दी बीत जाए और ठंडा लगे बस। तो अभी मैंने थोड़ी सी चाय बनवाई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही है यार, मैं बहुत भीग चुका हूँ और मैं ठंड में थोड़ी दिक्कत होती, पता नहीं क्यों होती यार। और ना मैं खांसी बहुत देर से हो रही थी, और थोड़ी चाय पी लेते हैं। और अब दीदी की एंट्री का फोन आ चुका है कि भाई आ जाओ, तो दीदी रेडी हो रही है, तो अब चलते हैं। वैसे मुझे आज आना नहीं चाहिए था यार, क्योंकि तबीयत खराब है, पर कोई बात नहीं। अच्छा जिन जिनको आना नहीं आना, दोनों हाथ खड़े करें। मैंने कहा जिनको आना नहीं आना, आपने फिर भी उठा। हमारे राम भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। हाँ सीधी कर लीजिए ताली बजाते हुए, बोले तो कहरा हमारा प्रोग्राम में भी हो चुका है, किसी की एंट्री लग चुकी है, चलते हैं अब घर। और अच्छा लगा, मजा आया ना।
पर गाइस आज पूरा ना मतलब बारिश में भीगते हुए आया, पर अब मेरी शर्ट सूख गई है, मुझे नहीं लग रही भाई, ठंड बहुत लग रही थी पर गाते गाते सब सूख गया। मैंने सोचा जहाँ भी जाऊंगी ना बारिश के दिनों में एक जोड़ी कपड़े तो मैंने एक्स्ट्रा लेके जाऊंगी। सही है भाई, आज वैसे तबियत पूरे कपड़े भीग गए यहीं पे अंदर। अरे मेरी तबियत वैसी खराब थी ऊपर से, और इसलिए तीन दिन से बीमार था। जबरदस्ती लेके आया मुझे, बाजार नहीं वाला था कोई नहीं। मैंने तेरे को मेरा आज कोई नहीं था क्योंकि मैं कल ही खाटू से आया हूँ। मेरा खुद प्लान नहीं था। ये तो है बाबा की, बाबा ने बुलाना था। बाबा की क्या बोलते हैं उसे, महिमा, महिमा, महिमा वही बोलो। श्रृंगार सभी हुई सब कुछ आता ही, इतना तो भीगना बनता है। तो गाइस अपने घर में आ चुका हूँ और सब पहुंच चुके हैं वहीं पर। गीला हो गया फिर से ऊपर तक आने में। तो गाइस पहले अपने कपड़े चेंज करता हूँ, फिर बनाऊंगा चाय, कुछ खाना वाना खाते हैं पहले। पहले कपड़े चेंज करता हूँ भाई। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए अपने और मैंने खाना पीना थोड़ा सा खा लिया, मतलब रोटी थी मम्मी वैसे बना के गई हुई थी तो खा ली, और चाय वाय पी ली थोड़ी सी। पर गाइस मेरे गले की बैंड बज गई क्योंकि मेरी पहले तबीयत खराब, ऊपर से मैं ये दूर चले कीर्तन में, ऊपर से बारिश के मौसम में गया, ऊपर से भीगते हुए गया, और उसके बाद मैंने दीदी का कोरस भी कर दिया, मतलब दीदी के पीछे पीछे भी गा लिया भाई। मेरा गला ना समझता, मतलब इचिंग, मतलब क्या बोलूँ, मतलब खराश हो रही है बहुत ज़्यादा भाई, बहुत गले में खराश हो रही है, खांसी उठ रही है बार बार बहुत तेज यार। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी जब मैं दर्शन पार गया था, तो तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी मेरी, पर अब फिर से वही सीन हो गया, दोबारा ख़राब होने लग गया यार, क्या करूँ। जितना सोचता हूँ ठीक हो जाएगी उतना और ख़राब होती रहती है। सॉरी गाइस मैं अब ज़्यादा बोल नहीं पा रहा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलती जल्दी अपने न्यू ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।